गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एट पॉजिटिव में। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वर्कआउट करने वाला हूँ फ्रेंड्स, वो जो वर्कआउट जो है मैक्सिमम जिम में होता है, और अगर हम होम जिम कर रहे हैं, घर में भी जिम कर रहे हैं, तो ये मान लें ये वर्कआउट जो है बिल्कुल कंपल्सरी वर्कआउट है। आज हम वर्कआउट करने वाले हैं बेंच प्रेस का। बेंच प्रेस एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि मैक्सिमम जो है जिम में रहती है, या फिर आप जो है होम जिम कर रहे हैं तो होम जिम के लिए भी ये मान लें कि एक तरीके से कंपलसरी है। अच्छा, बेंच प्रेस के लिए जो है इस तरह की बेंच होती है जिसमें जो है इंक्लाइन डिक्लाइन और फ्लैट बेंच बनती है। अच्छा, मेरे मोस्टली जो व्यूअर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि जो है इसका बेंच प्रेस को लगाने का सही तरीका क्या है और किस तरीके से हम इसमें जो है वेट जो है लगाएं। तो वो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेंच प्रेस हमें किस तरह से लगाना है और किस तरह से इसमें जो है हमको वेट बढ़ाना है। तो स्टार्टिंग जो हम करेंगे फ्रेंड्स, वो जो है हम लाइट वेट से करेंगे, जो कि हम बिल्कुल इजिली उठा सकते हैं। तो मैंने जो है दोनों तरफ जो है 10 kg और 10 kg यानी कि 20 kg स्टार्ट कर रहा हूँ। 20 kg वेट में बहुत इजिली उठा सकता हूँ, तो उसको बताता हूँ किस तरह से करना है। तो हम देखते हैं। देखिए, अपन जो है बेंच पे सबसे पहले तो जो है फ्लैट बेंच पे लेटेंगे इस तरह से, और ये हमारा पहला सेट है, लाइट वेट से है। तो इसमें हमको रिपीटेशंस भी जो है मैक्सिमम लेने हैं, जितने जो है हम ले सके। तो ये इस तरह से करना है। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी। तो फ्रेंड्स, ये जो है मेरी बिल्कुल चेस्ट के बीच में आ रही है, और हमको जो है बिल्कुल चेस्ट के बीचों बीच में इसको लेना है और आराम से करना है। और मैंने जो है इसके जो फर्स्ट सेट लगाया इसके रिपीटेशंस मैंने लिए 20। अब इसमें जो है मैं वेट और इंक्रीज कर रहा हूँ 5 kg। ये मैंने 5 kg का वेट और लगा दिया इसमें। दोनों तरफ से जो है रॉड को अपन को बराबर पकड़ना है, एंड देन स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 15 kg दोनों तरफ वेट लगाया, यानी कि टोटल वेट हो गया 30 kg। तो फ्रेंड्स, इसके भी जो हमने रिपीटेशंस जो लिए वो लिए 20 repetitions। अब मैं जो है इसमें वेट और इंक्रीज कर रहा हूँ, इसमें 5 kg का जो है मैं प्लेट और लगा रहा हूँ। ये मैं इसमें 5 kg की प्लेट और लगा रहा हूँ। अब इसमें एक साइड वेट हो गया है 20 kg, 20 kg और 20 kg, टोटल वेट हो गया है इसका 40 kg। तो अब इसको हम लगाएंगे फ्रेंड्स।
वेट अगर हैवी ज्यादा हो जाए तो अपन को जो है रिपीटेशन में जो है कम लेने हैं। तो अब देखते हैं इसमें कितने रिपीटेशन लगते हैं बोलते। वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो फ्रेंड्स अब जो है मैंने इसके जो है मेरा फाइनल जो सेट था जो हैवी सेट था उसके मेरे से जो है केवल 10 रिपीटेशन ही लगे। अब मैं यहाँ तक समझता हूँ ये मेरी जो है कैपेसिटी के हिसाब से ये हाईएस्ट वेट थे। अब इसके बाद जो मुझे लास्ट सेट लगाना है वो देखते हैं कैसे लगाना है। इसके लिए जो है मैं वेट को जो है बिल्कुल लाइट कर दूंगा जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो फ्रेंड्स मैंने जो है ये 10 केजी से स्टार्ट किया था और लास्ट जो सेट लगा रहा हूं मैं अपना फोर्थ सेट वो जो है 10 केजी की लगा रहा हूं और 10 केजी लगाने के बाद ही मैं इसको फिनिश करूंगा। तो फ्रेंड्स ये 10 केजी का जो सेट हम लगाएंगे इसमें जो है रिपीटेशन की कोई लिमिट नहीं है। इसमें मैं जब तक लाऊंगा इसमें रिपीटेशन जब तक की मेरी कैपेसिटी है मैं बिल्कुल जो है फेलियर होकर इसको रख ना दूं। तो देखते हैं तो कैसे कैसे करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी। तो फ्रेंड्स मेरे से जो है लास्ट सेट लगाया इसका जो मैंने लाइट वेट लगाया 30 सेट लगाए उसके बाद मेरी स्थिति ये हो गई थी कि मैं एक वेट और नहीं रख सकता था तो मैंने जो है इसको रख दिया। जैसा कि आप लोगों ने देखा मैंने सबसे जो है पहला जो सेट लिया वो लिया मैंने फ्लैट बेंच पे। इसमें सबसे पहले मैंने लाइट वेट लिया लाइट वेट से मैंने 20 रिपीटेशन लगाए उसके बाद मैंने 5 केजी और बढ़ाया उसमें रिपीटेशन मैंने 20 लगाए उसके बाद फिर मैंने 5 केजी और बढ़ाया फिर मेरे रिपीटेशन में थोड़े से कम लगे 10 ही रिपीटेशन लगे। तो मेरा जो है इस तरह से रुक गया। सबसे पहले जो है मैंने 10 केजी वेट लिया 15 केजी एंड 20 केजी उसके बाद फिर फोर्थ सेट में जो है वापस नीचे आया मैं अपने जहां से मैंने स्टार्ट किया था 10 केजी से 10 केजी वेट लिया और उसमें मैंने रिपीटेशन जो लगाए वो मैक्सिमम रिपीटेशन लगाए। तो फ्रेंड्स जिस तरह से हमने फ्लैट बेंच जो लगाई सेम यही प्रोसेस जो है हमको अपनी इंक्लाइन बेंच में और डिक्लाइन बेंच में रखना है। अच्छा फ्रेंड्स आप लोगों को मैं एक बात और बता, जैसे हम जो सेट लगा रहे हैं तो हमें एक सेट लगाने के बाद जो है 30 सेकेंड का जो है रेस्ट लेना है और जब हम 3 सेट कंप्लीट कर लें तो हमें 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है। एक बात और बताऊंगा फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कि जैसे ही आप जो है अपना वर्कआउट पूरा कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज तो उसके बाद जो है 15 से 20 मिनट का रेस्ट जरूर लें। इसी सब बातों के साथ जो है मैं अपना आज का वर्कआउट खत्म करूंगा फ्रेंड्स और जाते जाते मेरा जो है मेरे न्यू व्यूअर्स हैं उन लोगों से अपील कि फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरा जो है वीडियो पसंद आता है और आप लोगों को कुछ मेरी वीडियो से हेल्प होती है तो प्लीज
मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, मेरे वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अच्छा एक बात और बताऊं मैं फ्रेंड्स, ये सब्सक्रिप्शन जो है बिल्कुल शुल्क फ्री होता है, इसमें जो है किसी तरह का कोई शुल्क नहीं लगता। तो प्लीज फ्रेंड्स जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार एंड गुड बाय।